Assalamualaikum friends, welcome to Mia TV vlog. कैसी है my YouTube family? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे. और ये देखें जी, मैं घर से बाहर आ गई हूँ. मेरा travel start हो गया है और मैं जाने लगी हूँ. टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा, आपको पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ. लेकिन ये कि इंशाल्लाह वहाँ जा के ही आप बात करेंगे. और ऐसा करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और यहाँ से पेट्रोल डलवाया है और यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह ले रही हूँ और फिर आगे चलते हैं. सर्दी बहुत ज़्यादा है. लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. ये देखिए जी, फोग का हाल देखिए यहाँ पर. सर्दी है कि मैं बयान नहीं कर सकती. बस चलते हैं आगे, अपने बिल्कुल मंजिल के करीब हूँ मैं. अच्छा जी, ये देखिए सवाबी का बोर्ड आ गया है यहाँ पे. और यहाँ पे जी मेरा नाश्ता आ गया है और मैं बस नाश्ता करने लगी. और ये है यहाँ की फ्रेश फ्रेश मलाई, बिल्कुल ताज़ा मलाई नज़र आ रही होगी आपको. ये सवाबी का नाश्ता है. बस चाय भी आ रही है. ये देखिए जी, बिल्कुल मैं अपनी मंजिल के करीब हूँ और यहाँ पे और ज़्यादा फॉग है. और ये देखिए बस यहाँ के ये हालात है. सवाबी में तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी है और फोग भी है. यहाँ सब ने लाइट्स वगैरह कार्स की ऑन कर ली हैं. और ये देखिए तकरीबन मेरे ख्याल से सुबह के 9 बज गए. ये जी अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं और इंशाल्लाह बस थोड़े ही टाइम में, देखिए रास्ता थोड़ा सा है, यहाँ से गाड़ी जा रही है ऊपर तक, गाड़ी चली जाती है और फिर आगे से हम लोग का शायद थोड़ा सा पैदल होगा सफ़र. एज यूजल ये रानी घाट जो है ये भी पहाड़ी के ऊपर है और बहुत ऊपर है अभी. अच्छा फ्रेंड्स, रानी घाट में पहुंच गई हूँ. यहाँ पे टिकट्स ले लिए हैं, ईच 20 रुपीस. और ये सारी यहाँ की हिस्ट्री और वो रहा रानी घाट. चलिए करिश्मा है जो आपके सामने है. और ये कुदरती फोर्ट है और एक कुदरती रॉक्स यहाँ पे बेहतरीन किस्म की. आप आएंगे और देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा करिश्मा है कुदरत का माशाल्लाह पाकिस्तान में.
फ्रेंड्स, ये 6th सेंचुरी की जगह है जो आपको इस टाइम नज़र आ रही है, और उस ज़माने में ज़ाहिर सी बात है कि बुद्ध मज़हब था और हर तरफ आपको नज़र आएंगे बुद्ध। और वो देखे मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे केव्स जो बनी हुई हैं, अमेजिंग, यकीन करें हज़ारों साल पुरानी केव्स। ओ माई गॉड, आप देखें ज़रा। और प्रॉपर ये हाउसेस बने हुए हैं, प्रॉपर जैसे घर बने हुए हैं, हजारों साल गुजर गए इनको। बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेस रानी घाट पाकिस्तान के अंदर मौजूद। आप भी आइए और यहाँ पे आके शानदार रानी घाट देखिए और लुत्फ अंदोज हो अपने पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों से। फ्रेंड्स जल्दी आएँ, इधर आएँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। इधर आएँ, इधर आएँ, ये देखें रानी घाट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। यकीन करें आप जब इधर आएंगे आपका दिल नहीं करेगा कि आप वापस अपने घर जाएं, सच्ची। रानी घाट में आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे एक तख्त नज़र आएगा और उस तख्त पे आपको एक रानी बैठी हुई नज़र आएगी। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, ये मेरा तख्त है और ये मेरा रानी घाट है। फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ पर ये केव नंबर 1 है। यहाँ पे आपको जगह जगह पे गार नजर आएंगे और ये केव नंबर 1 नजर आ रहा होगा आपको। ये देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। घर जहाँ पे आपको प्रॉपर, ये देखिए यहाँ पे इनकी विंडो भी बनी हुई है और यहाँ पे इनके, यहाँ पे लाइटिंग के सारे बंदोबस्त हैं और यहाँ पे ये दिए जलाते थे, यहाँ लोग रहते थे। अमेजिंग, इंसान वहीं पे पहुंच जाता है। मैं अपनी कैफियत आप लोगों को बता नहीं सकती कि इस टाइम क्या है। माई YouTube फैम, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग लेके आऊं और पाकिस्तान की ऐसी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस आपके सामने लाऊं कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएं कि पाकिस्तान में रहने के बावजूद कई हमारे ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि पाकिस्तान में कितनी हसीन जगह हैं। पाकिस्तान में जितनी खूबसूरती है, मैं कहती हूँ कि वो खूबसूरती कहीं पे भी नहीं है। और बस सिर्फ ज़रा सी बात ये है कि हम लोग बाहर निकले, अपने आसपास कहीं देखें, घूमें फिरें और सर्च करें, क्योंकि सर्चिंग का हुक्म तो हमारे इस्लाम में भी है। तो सर्च करें तो आपकी आंखों के सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसी ऐसी पाकिस्तान की जगहें आएंगी कि आप ख़ुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। और जब आप वहाँ पर मेरी तरह पहुँचेंगे तो यकीन माने कि आपकी रूह तक को सुकून आ जाएगा, क्योंकि इस टाइम जहाँ अभी मैं खड़ी हूँ सवाबी के इस रानी घाट पे, आप यकीन करें कि यहाँ पर इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ का वेदर, वहाँ का मौसम कमाल का था कि आई हैव नो वर्ड्स रियली। तो इस वजह से ज़रूर
बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। मेरे आसपास आपको शायद नज़र आ जाए, लोग यहाँ पे आके पिकनिक मना रहे हैं, खाने खा रहे हैं और देखे कैसे इंजॉयमेंट हो रही है यहाँ पर, क्योंकि वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हुआ है और माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी फैमिलीज और अपने बच्चों के साथ यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं लोग।